याशी स्वयं सुकृतिनाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कर्तदियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धां सतां कुलजनः प्रभोस्य लज्जा तां त्वां नतां स्म परिपालय देवि विश्वम्। हम माँ जगदम्बेश्वरी महालक्ष्मी योगिनी की उपासना करते हैं और वे देवी हम पर प्रसन्न होकर के हम पर अपना अनुग्रह करती है और हमारी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करती है। नमस्कार मित्रों, महालक्ष्मी योगिनी साधना किसी भी शुक्रवार या पूर्णमासी से आरंभ की जा सकती है। यह साधना रात्रिकालीन है और विशेष रूप से इस साधना के अंतर्गत धन आगमन संबंधी समस्याएं, व्यापारिक समस्याएं या किसी भी प्रकार का धन संबंधी अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई अवरोध है, धन आगमन का अवरोध है, तो इस योगिनी की उपासना की जाती है। इन योगिनी की उपासना करने के पश्चात में साधक के सब प्रकार के धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं और हर प्रकार का व्यापार सुचारू होता है। जिस व्यक्ति के पास में रोजगार नहीं है तो उसे रोजगार प्राप्त होता है और जिस व्यक्ति का व्यापार बंद है तो व्यापार सुचारू हो जाता है, बशर्ते पूर्ण रूप से भक्तिभाव से इस देवी की उपासना करनी चाहिए। यह योगिनी उपासना है और इस साधना में पीले वस्त्रों का प्रयोग, पीला आसन और पीले वस्त्र धारण करके ही हमें साधना में बैठना चाहिए। साधक का मुख उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ हो और शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित रहे। पीले पुष्प अर्पित करें और महालक्ष्मी योगिनी के मुख्य मंत्र की कम से कम 21 माला जप करना अनिवार्य होता है। मातृभाव से योगिनी की उपासना करने के पश्चात में देवी अर्धरात्रि में प्रसन्न होकर के साधक को साधना के अंतिम दिनों में अवश्य ही दर्शन देती है, इसमें संदेह नहीं है। और विशेष रूप से साधना काल में नियमों का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है। मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना, शराब मांस आदि का प्रवेश ना करना और व्यर्थ का वार्तालाप ना करना चाहिए। साधक को सदा ही सदाचारी रहना चाहिए, सदाचार का आचरण ही करना चाहिए और इसके साथ ही अपने मंत्र पर ही संपूर्ण विश्वास करके उसे साधना प्रसन्नतापूर्वक संपन्न करनी चाहिए। इस साधना का मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र की 21 माला नित्य करनी आवश्यक है और साधना काल में साधना का महालक्ष्मी योगिनी सिद्ध यंत्र और गुटिका बाजोट के ऊपर अष्टदल बना करके स्थापित करें। तत्पश्चात उनका पंचोपचार पूजन करने के साथ ही यह साधना आरंभ करनी चाहिए। साधना सामग्री अपने गुरु से सिद्ध करवा के प्राप्त कर लेनी चाहिए, जिससे कि हमें साधना में सफलता प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। धन्यवाद।